सबसे पहले बात अन्नदाताओं के आक्रोश की। किसानों का प्रदर्शन आंदोलन जारी है। पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें पहले रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब उन्हें दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है। दिल्ली चलो अभियान पर निकले पंजाब के किसानों को राजधानी दिल्ली आने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में विरोध करने की अनुमति है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवान उनके साथ रहेंगे। बड़ी बात यह है कि किसान सिंगू बॉर्डर से दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन अभी तक किसान बुराड़ी जाकर प्रदर्शन करने से इनकार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान लगातार सिंगू बॉर्डर पर डटे हैं। अब सवाल यह है कि किसान सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन करेंगे या बुराड़ी मैदान पर। फिलहाल अभी इस पर फैसला बाकी है। और प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश मिलने की इजाजत के बाद दिल्ली सरकार ने बुराड़ी के निरंकारी मैदान में किसानों के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली सरकार प्रदर्शनकारियों के लिए क्या क्या कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कपकपाती ठंड में पानी की बौछारों से सामना था, लाठियों की मार थी, आंसू गैस के गोलों की बौछार थी, लेकिन इन सबसे लड़ते जूझते किसान आगे बढ़ रहे हैं। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली आने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने निरंकारी मैदान पर किसानों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला लिया है। किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। दिल्ली सरकार टेंट, शेल्टर और चलते फिरते टॉयलेट की व्यवस्था करने में भी जुट गई है। दिल्ली सरकार ने नॉर्थ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो किसानों की सहूलियत के लिए जरूरी कदम उठाएं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।